वालेकुम व्यूअर्स उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे वेलकम टू माय चैनल फूड कॉर्नर विद मरीम तो आज की हमारी रेसिपी काफ़ी डिफरेंट है आपको जैसे थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज की हम कौन सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पे मेरे पास मोज़रेला चीज़ का एक ब्लॉक है और अब मैं इसको कट कर लूँगी ये थोड़ी सी फ्रीज हुई हुई है तो आपने भी जब इसको कट करना है तो इसको थोड़ा सा फ्रीज में ही कट करना है वरना ये टूट जाएगी तो यहाँ पे इसको कट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आ रही थी तो कोशिश आपने यही करनी है कि आपकी जो नाइफ़ है वो बहुत ज़्यादा शार्प होनी चाहिए तो इसकी जब हम शेप काटेंगे तो शेप हम रोल्स की तरह काटेंगे तकरीबन दो से तीन इंच मोटा होगा और रोल्स की तरह थोड़ा सा लंबा होगा तो ये देखें ये मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है अब मैं आपको इसके स्लाइसेस कट कर करके दिखाती हूँ कि इसके स्लाइसेस किस तरह के होने चाहिए तो ये जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि इस तरह के रोल की तरह स्लाइसेस इसके होने चाहिए तो ये रेसिपी चीज़ लवर्स के लिए है जो चीज़ बहुत ही शौक से खाते हैं तो इस रेसिपी को आपने एंड तक लाजमी देखना है बहुत ही मज़े की रेसिपी है बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाएँगे तो यहाँ पर हम अपनी रेसिपी का स्टार्ट करेंगे तो जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा इसी से ही मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचेगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके मैंने सारे स्लाइसेस कट कर लिए हैं और ये बहुत ही मजे के रोल्स तैयार होने जा रहे हैं तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगती है तो यहाँ पर जो काफी जो स्टिक्स यहाँ पर टूट गई थी हम उनको वहाँ से सेपरेट कर लेंगे और वो आप जो सी चीज़ टूटी हुई है जो स्लाइसिस कट नहीं हो रहे प्रॉपर तरीके से उसको आप पिज़्ज़े में या आप किसी और चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं तो जब हम मोजरेला स्टिक्स बनाएंगे तो उसके लिए हमें प्रॉपर रोल्स चाहिए जिसको हमने ये मोजरेला स्टिक्स में कट किया है उसी की ही हम कटिंग करेंगे अगर वो थोड़े से साइड से क्रैक हो गए हैं तो आप उसको बीच में से निकाल लीजिएगा तो ये देखें ये सारे रोल्स जो से हैं मोजरेला स्टिक्स के कट हो चुके हैं मैं आपको आगे बताती हूँ कि आगे आपने क्या करना है तो ये देखें ये प्रॉपर सारे कट हो चुके हैं आपने इसी तरह ही इसको कट कर लेना है तो हम दुनिया में आए ही किस लिए हैं सिर्फ खाने पीने के लिए तो अपनी लाइफ को इन्जॉय करें खूब खाएं पिए तो ये देखें ये स्टिक्स कट हो चुकी हैं अब मैं इसको चॉपिंग बोर्ड से प्लेट में डाल लूँगी ताकि हमें आसानी हो जाए और यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन एरिया हो जाए ताकि मैं आपको आगे बता सकूँ कि आगे, आगे आपने क्या करना है और किस तरह इसकी कोटिंग करनी है तो यहाँ पे आपने कोशिश करनी है जो चीज़ है आपकी मोजरेला ही होनी चाहिए क्योंकि मोजरेला स्टिक्स इसका नाम है तो इसमें मोजरेला चीज़ ही यूज़ होगी इसमें आप चेडर चीज़ या पामीजान चीज़ बिल्कुल भी आप यूज़ नहीं कर सकते तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक अंडा है जिसकी हम कोटिंग करेंगे उसके साथ मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं और थोड़ा सा मैदा है और यहाँ पर चीज़ के स्लाइसिस हैं जो हमने कट किए थे तो यहाँ पे मैं ब्रेड क्रम्स के अंदर तकरीबन एक टीस्पून के करीब काली मिर्च पाउडर डाल लूँगी ताकि जो इसका फ्लेवर है वो थोड़ा सा ऐड ऑन हो जाए और इसमें थोड़ा सा मसाला भी आए तो अब ये देखिए मैं अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने कोटिंग कैसे करनी है यहाँ पे जो मेरे पास अंडा था इसको मैंने बाउल में तोड़ के डाल लिया था अब मैं इसको अच्छी तरह बीट कर लूँगी क्योंकि इसमें जर्दी और सफ़ेदी दोनों यूज़ होगी तो यहाँ पे अब मैं इसको अच्छी तरह बीट कर रही हूँ चमच की मदद से तो अब मैं इसकी कोटिंग करनी स्टार्ट कर देती हूँ और आपने इसको ध्यान से देखना है कि मैं अब इसकी कोटिंग किस तरह और किस मेथड से करूँगी तो यहाँ पे मैं एक मोजरेला स्टिक लूँगी और उसको मैं मैदे में सबसे पहले डाल लूँगी और मैदे की कोटिंग कर लूँगी मैदा आपने इस वजह से ऊपर कोटिंग में यूज़ करना है ताकि जब हम मोजरेला स्टिक को फ्राई करेंगे तो चीज़ हमारी बाहर नहीं आएगी चीज़ अंदर ही मेल्ट होगी तो यहाँ पे ही देखिए अच्छी तरह आपने मैदे से कॉट कर लेने हैं चारों साइडों से और उसके बाद मैं अंडे में डिप कर लूँगी और उसके बाद मैं इसको ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर लूँगी अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो आप इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं मैं अभी आपको डबल कोटिंग भी करके दिखाऊँगी और अगर आपको थोड़ा सा क्रिस्पी चाहिए तो आप इसकी सिंगल कोटिंग भी कर सकते हैं तो ये देखें यहाँ पर मैं ब्रेड क्रम्स की कब कोटिंग कर रही हूँ तो यहाँ पे अब मैं सारे स्टिक्स ऐसे ही तैयार करती जाऊँगी और मैं आपको बाद में दिखाऊँगी कि ये देखने में कैसे लग रहे हैं हर साल ट्वेंटी जनवरी को नेशनल चीज़ लवर डे मनाया जाता है क्योंकि चीज़ बहुत ज़्यादा पापुलर है और सब लोग इसको बहुत शौक़ से खाते हैं तो यहाँ पे एक हज़ार से ऊपर वैरायटीज अवेलेबल हैं चीज़ की डिफरेंट टाइप्स की और डिफ़रेंट टेक्सचर की तो चीज़ की काफ़ी ज़ ज़्यादा वैरायटी मार्केट में अवेलेबल है जैसे जेडट चीज़ है फिटा चीज़ है मोजरेला चीज़ है पामीजान ब्लू चीज़ रिकोटा चीज़ है गोड चीज़ है और उसके अलावा क्रीम चीज़ है लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर चीज़ हैं वो मोजरेला और चैड चीज़ हैं तो यहाँ पे हम चैटड चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम मोजरेला चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो चीज़ में कैल्शियम मौजूद होती है और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बोन्स के लिए तीथ के लिए ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है उनको मेंटेन रखता है इस वजह से चीज़ आपने अपनी डाइट में लाजमी शामिल करनी है चीज़ आप अपनी लाइफ में यूज़ करें लेकिन उसका बिल्कुल एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा भी यूज़ मत करें नॉर्मल खाएं चीज़ तो यहाँ पे ये देखिए हमारी मोजरेला स्टिक्स बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं मैं पहले इसको फ्रीज़ कर लूँगी और उसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी तो यहाँ पे मैं आपको स्टोर करने का मैथड भी बता देती हूँ यहाँ पर मैंने बॉक्स लिया है जिसमें मैं इसको स्टोर करूँगी और यहाँ पर मेरे पास रैपिंग शीट है इसकी बजाय आप कोई भी शॉपिंग बैग या फिर पॉलिथिन बैग या फिर आप इसमें रैपिंग शीट भी यूज़ कर सकते हैं या एलुमिनियम फॉयल भी यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने रैपिंग शीट इसमें सारी लगा दी है इसके नीचे बेस पे ताकि जो मोजरेला स्टिक्स हैं वो नीचे बॉक्स के चिपके ना तो यहाँ पे अब मैं सारी स्टिक्स इसके ऊपर रख दूँगी तो ये देखें नीचे बेस पर मैंने फॉइल लगा दी है तो यहाँ पे कुछ लोग आपको कहते हैं कि चीज़ नहीं खानी चाहिए चीज़ से वेट गेन होता है तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ डाइटिशियन जो उनसे होते हैं वो डाइट प्लान में लाजमी चीज़ ऐड करवाते हैं इससे कैल्शियम आपको मिलती है और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स भी आपको मिलते हैं तो ये देखिए मैंने बॉक्स में मोजरेला स्टिक्स लगा दी हैं अब इसके ऊपर मैं दोबारा रैपिंग शीट लगाऊंगी ताकि इसके ऊपर हम एक और लेयर मोजरेला स्टिक्स की लगा सकें तो मोजरेला स्टिक्स जो सी होती हैं ये मोजरेला चीज़ है उसमें फैट्स भी कम होते हैं और उसमें कैलोरीज भी कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू तो दूसरी चीज़ मोजरेला चीज़ वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम होती है जितना आप स्किम मिल्क पीते हैं उतनी ही कैल्शियम इसमें पाई जाती है और ये लो कार्ब है आप इसको ज़रूर अपनी डाइट प्लान में या फिर अपने डाइट में यूज़ करें तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको स्टोरिंग मेथड भी बता दिया है कि आप मोजरेला स्टिक्स को किस तरह स्टोर कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं थोड़े से आपको मोजरेला स्टिक्स फ्राई भी करके दिखाऊंगी ये देखिए आप कंटेनर में देख सकते हैं इसके ऊपर एक और हम रैपिंग शीट लगाएंगे और इसको हम बॉक्स को बंद करके रख देंगे जब आपका दिल चाहेगा तो आप इसको फ्राई करके खा सकते हैं तो यहाँ पर अब मैं आपको मोजरेला स्टिक्स फ्राई करके दिखाती हूँ और मैं आपको फिर ओपन करके दिखाऊंगी कि ये बहुत ही मज़े के लग रहे हैं तो यहाँ पर मैं इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करूँ गोल्डन ब्राउन होने तक और यहाँ पे देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता गोल्डन ब्राउन होने स्टार्ट हो गए हैं मैं इसकी साइड चेंज करती जाऊँगी और इसको चारों साइडों से ऐसे ही बना लूंगी और उसके बाद मैं आपको इसकी सर्विंग करके दिखाती हूँ कि ये मोजरेला स्टिक्स अंदर से और खाने में कैसे लग रहे हैं तो अब मैं इसको यहाँ पे निकाल लूँगी ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो चलिए अब हम इसकी सर्विंग देख लेते हैं तो ये देखिए मोजरेला स्टिक्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं मैं अभी आपको यहाँ पे तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितने चीज़ी लग रहे हैं और आपको ये आप ये चीज़ की लेयर्स देख सकते हैं कि फुल चीज़ी है आप इसको गर्म गर्म खाएं क्योंकि जब आप इसको गर्म गर्म खाएंगे तभी आपको ये चीज़ का फ्लेवर बहुत ही मज़े का लगेगा लेकिन जैसे ही ये ठंडा होने पर आएगा तो चीज़ दोबारा से जम जाती है तो ये देखें ये बहुत ही चीज़ी हैं तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू